नमस्कार दोस्तों, हम सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट विदास में। आज हम श्री रेणुका शुगर का एनालिसिस करेंगे। श्री रेणुका शुगर और बजाज हिंदुस्तान शुगर, ये दोनों में थोड़ा डाउन साइड प्रेशर देखने को मिल रहा है। और अभी ये देख लीजिए, आज जो एक सपोर्ट प्राइस है उस पर ट्रेड कर रहा है। ये सपोर्ट प्राइस मैं पहले भी बता कर रखा हूँ, आज देख लीजिए उसको आज टच कर लिया है। 45.90 पे मैं सपोर्ट प्राइस ड्रॉ किया था और अभी उसी पर ट्रेड कर रहा है। अभी ये देख लीजिए, ये सपोर्ट प्राइस को अगर ये रिवर्सल देती है, मतलब यहाँ पे दो तीन कैंडल बनाए, थोड़ा दो तीन दिन ना इसमें आराम करे, उसके बाद में एक रिवर्सल जब देती है तो ना 50 का पहला टारगेट देखने को मिलेगा, दूसरा टारगेट जो रहेगा 52.50 का रहेगा, ये देखने को मिल सकती है। टारगेट हमेशा छोटे छोटे रखना चाहिए जो अपने को हासिल हो, ऐसा टारगेट कभी नहीं रखना चाहिए जिसको नामुमकिन हो जाए। इसलिए ना छोटे छोटे टारगेट बुक करिए, प्रॉफिट बुक करिए, तभी स्टॉक मार्केट में पैसा बन सकता है। लॉन्ग टर्म भी हमें भी पैसा बनता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इतना कोई इन्वेस्ट नहीं करता और इतना कोई इसी के पास पेशेंट नहीं होता है। छोटा छोटा टारगेट बुक करते रहिए, रहना चाहिए। आप 45.90 का ये जो सपोर्ट है इसको देखिए, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो दूसरा सपोर्ट अपने को मिल सकता है वो ये है। इसके बाद में नीचे तो डाउन साइड और नहीं देखने को मिल सकता, क्योंकि बहुत टाइम से ये जो एक लेवल है वो काफ़ी देर से परेशान करके रखा है श्री रेणुका शुगर को, जैसे 45 से लेकर 55 तक। ये लेवल तो आप देख रहे हो, सितंबर से लेकर मार्च का महीना हो गया, आज कितना टाइम हो गया यहाँ से देख लीजिए, और ये मार्च, सितंबर हो गया, मार्च हो गया, अभी मार्च आने वाला है, तो एक तरह से काफ़ी टाइम हो चुका है। अभी इसको होना नीचे होना है या ऊपर साइड होना, दोनों में से लेना है। मोस्ट ऑफ जो चांस है वो गवर्नमेंट के जो इथेनॉल प्रोडक्शन हो गया, इथेनॉल ग्रीन एनर्जी ये सब का न्यूज़ हो गया और प्रोडक्शन हो गया, ये सबको देखने पे यही लगता है कि अब यहाँ से जो है ना एक रिवर्सल देखने को मिल सकता। तो रिवर्सल का दोबारा टारगेट मैं बताता हूँ, 50 का पहला, दूसरा का 52.50 का, ये देखने को मिल सकता है। आज ओवरऑल जो डिलीवरी हुई है वो टोटल जो वॉल्यूम रहा 66 लाख शेयर्स की थी, और उसमें से डिलीवरी बेसिस हुआ 20 लाख का, मतलब 30% का डिलीवरी हुआ। डिलीवरी बेसिस इतना खास अच्छा देखने को नहीं मिल रहा, मगर ओवरऑल जो है एक थोड़ा सेंटीमेंट डाउन है, मगर थोड़ा सा डाउन है, इतना नहीं है कि सीधा 30 रुपये तक आ जाए। तो यहाँ से कहीं से भी रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ये चैनल ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।